नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा, जो पूरे व्यस्त शेड्यूल के बाद भी हमारे लिए समय निकाल पाए। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में। सर, शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति की दृष्टि से देखें तो क्या हाल है सर? कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल बेहतर है जहां तक लॉकडाउन की बात है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लोगों का काफी व्यापक समर्थन है। लॉकडाउन को बल्कि अगर हम बात मान सकते हैं, लॉकडाउन पूरे भारत में सबसे बेहतर तरीके से लागू की गई है, क्योंकि यहाँ पे चुनौती भी बड़ी और इसलिए जरूरत और अच्छी बात है कि सभी लोगों ने इस जरूरत को महसूस किया है और इस न मानते हुए स्वयं का निर्णय माना है और शायद इसीलिए इतने प्रभावी ढंग से लागू हुआ है। और अब लगातार जो आप देखेंगे, जो ठीक होने वाले मरीजों की स्थिति है, उनकी जो संख्या है वो बेहतर होते जो घर लौटने वाले लोगों की जो टोटल जो जो घटनाओं की जो वृद्धि दर है, सारी चीजें बेहतर इसे इम्प्रूव कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये काफी एक सकारात्मक दिशा में जाता हुआ प्रयास और लोगों के सहयोग से, सभी लोगों के इस लॉकडाउन में सहयोग के कारण और उनके समर्थन के कारण संभव हो पाया है। शुरुआती दौर में जो थोड़ी सी समस्याएं थी, मुझे लगता है पुलिस ने काफी हद तक उस पर कंट्रोल कर लिया है। निश्चित तौर पे शुरुआती दौर में कई समस्याएं थी क्योंकि ये अप्रत्याशित स्थिति और लोग इस अप्रत्याशित स्थिति से जूझने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह की स्थिति शायद हम सभी के जीवन काल में कभी नहीं आया होगा कि हम सोचे होंगे कि सभी लोग इस तरह से मास्क में बंध जाएंगे, घरों से निकलना बंद हो जाएगा, एक दूसरे पर अविश्वास और अनिश्चय की स्थिति बनेगी, असुरक्षा का भाव पैदा होगा। इस तरह की चीजें कभी थी नहीं। क्योंकि ये स्थिति अभी पैदा हुई है तो निश्चित तौर पे ये सभी के लिए अप्रत्याशित थी, लेकिन लोगों ने बहुत जल्दी इस स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने समझा कि अगर हम आज नहीं अगर हम इसके लिए तैयार हैं तो आने वाले दिनों में जो इसका दुष्प्रभाव होगा, भयावहता होगी, उसके मुकाबले अभी का हमारा थोड़ा सा त्याग कुछ भी नहीं है और हम आसानी से स्थिति को अगर जीत सकते हैं। हमारे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक छोटी सी हमारी सावधानी उस समस्या से हमें बचा सकती है। तो लोगों ने इसी गंभीरता को समझा और हम कह सकते हैं कि आज काफी बेहतर ढंग से उस के कारण काफी जो लॉकडाउन सफल रहा है, लोगों का काफी सहयोग रहा है और अभी जो तत्काल जो हेल्थ इंप्रूवमेंट और बाकी चीजें जो हो रही है, वो सब लोगों के सहयोग के कारण ही हो पा रही है और हम एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनका मोरल बूस्ट किया जा रहा है, कभी गाने गाकर और कई सारे कुछ थाने में तो बकायदा उनके लिए योग की क्लासेस लगाई जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर पुलिस का मनोबल बढ़ रहा है इन सब चीजों में। जवानों का मनोबल बनाए रखना काफी आवश्यक है, वो इस बड़ी जंग में प्रथम पंक्ति के योद्धा है और निश्चित तौर पे उनका मनोबल तभी इस लड़ाई में हम मजबूती के साथ प्रखरता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हम जानते हैं कि इसमें 10-11 जवान अभी संक्रमित भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जवानों के मनोबल काफी ऊंचा है वो, और उनकी जो मनोबल तभी हमेशा ऊंचा रह पाएगा जब उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, उनकी छोटी छोटी जो जरूरतें हैं उसका ख्याल रखा जाए, चाहे उनको पीपी किट खाने की बात हो, चाहे उनके लिए आवश्यक जो संसाधन है जो उनकी सुरक्षा के लिए जरूरत है उसको उपलब्ध कराने की बात हो, या फिर छोटी छोटी जरूरतें जैसे कि जहां पे कार्यस्थल है वहां पे जो धूल धूप धुएं से निपटने में उनको मदद करें, उन सारी चीजों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। लगातार संवाद रखा गया है, लगातार सभी वरिष्ठ अधिकारी जाकर के फील्ड में उनसे मिल रहे हैं, उनके परिस्थिति को देख रहे हैं। इन सब का एक सकारात्मक परिणाम हुआ है, जवानों का मनोबल बढ़ा है और काफी ऊंचे मनोबल के साथ सभी लोग इस जंग में साथ साथ हैं। बाकी भी टीमों का मैं कहना चाहूंगा, न सिर्फ पुलिस बल्कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो बाकी अधिकारी हैं, वो भी काफी अपने मनोयोग से अपने पूरे प्रयास से कर रहे हैं और इस पूरी एक टीम की मजबूती के साथ, एक ऊंचे मनोबल के साथ इस जंग में हम लोग काफी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक टीआई साहब शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद आज एक अच्छी खबर ये निकल कर आई कि खजराना के जो टीआई हैं वे अब पॉजिटिव थे, अब ठीक होकर अपने घर की ओर जा चुके हैं और बाकी जवानों को लेकर भी आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। मैं सुनता रहता हूँ कि आप जवानों का मोरल बूस्ट करने के लिए उनकी दवाइयों से लेकर उनके परिवार वालों से बात कर रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें आप भी करते आ रहे हैं। तो पुलिस के जो जवान हैं इस समय जो फील्ड में तैनात हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो जवान हैं, हमारे पूरी टीम की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है, जब तक वो
मजबूत नहीं रहेंगे, जब तक वो तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, जब तक वो स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब तक वो ऊंचे मनोबल के साथ नहीं रहेंगे, तब तक इस जंग में हम आगे नहीं बढ़ सकते। उनकी हर समस्या के लिए हमारे पास एक पूरी टीम है, हमारे यहाँ एक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं डिफेंस की रैंक के गुरु पर, जो कि जवानों का अगर चिकित्सा से संबंधित कोई समस्या हो, उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई जरूरत हो, तत्काल संपर्क करें, उन चीजों को फैसिलिटेट करेंगे, उनको सुलभ बनाएंगे। बाकी उनकी जो जरूरतें हैं जवानों की, उनसे हम लगातार जुड़े हैं। हमारे 1160 जवान लगभग बाहर रह रहे हैं अलग अलग धर्मशालाओं में, अलग अलग जगहों पे, ताकि वो संक्रमण अगर उन्हें होता है किसी स्थिति में, तो वो संक्रमण आगे उसका प्रवाह ना हो, आगे वो बढ़े नहीं। इसलिए लगातार सबका ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह के वो मानसिक उहापोह से न गुजरे, किसी डिप्रेशन से न गुजरे, मनोबल उनका ऊंचा रहे। और हम सभी लोग एक टीम के हिस्सा हैं, उनके साथ 24 घंटे सभी अधिकारी सभी जवान एक आवाज पे एक साथ खड़े हैं, और उनके मनोबल को ऊंचा बनाए रखने के लिए जो भी करेंगे, जहां तक अभी तक की स्थिति की बात है, काफी श्रम से काम किया है, और इसी कारण अभी जो तमाम जो चीजें हैं, जो बेहतर ढंग की चीजें हो रही हैं, उसमें सभी जवानों का एक बड़ी भूमिका है, जिसके कारण हम इस सफलता के करीब पहुंच रहे हैं। आपके कुछ अधिकारी भी संक्रमित हो गए थे, जैसे खजराना टीआई के साथ महू के दो आईपीएस अधिकारी इसमें संक्रमित हुए थे, और दोनों की भी छुट्टी होकर घर जा चुके हैं। तो क्या लगता है कि पुलिस की ड्यूटी इस समय कानून व्यवस्था के साथ एक बड़ी चुनौती, खुद को सुरक्षित रखना भी है? निश्चित तौर पे जो प्रथम पंक्ति का योद्धा है, उसके घायल होने की संभावना भी सबसे ज्यादा रहती है, चूंकि पुलिस जिसमें सबसे आगे है इस लड़ाई में स्वास्थ्यकर्मियों के साथ साथ, तो इसमें निश्चित तौर पे उनके संक्रमण की संभावना रहेगी। इसके लिए जो जरूरी एहतियात हो सकती हैं, जरूरी दवाइयां हो सकती हैं, जरूरी जो उनके लिए कुछ जरूरी जो स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं हो सकती हैं, जरूरी जो बीमा संबंधी जो चीजें, छोटी छोटी चीजें जो उनको मानसिक सुकून देती हैं, छोटी छोटी चीजें जो उनके आत्मविश्वास और मनोबल को ऊंचा रखेंगी, उन सारी चीजों को आजमाया गया है, उनको लागू किया गया है। और हम जवान जो कि हमारे बिल्कुल हमारे बताया कि मेरुदंड है इस पूरी प्रक्रिया के, उनका मनोबल ऊंचा रखना जरूरी है, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जवान ऊंचे मनोबल के साथ, ऊंचे आत्मविश्वास के साथ इस जंग में आगे बढ़े। सर, एक प्रश्न मेरा यह है कि पुलिस ने अब अपना तरीका बदल दिया है, सजा देने का तरीका बदल दिया है। हम रोज वीडियो देखते हैं कि दंड बैठक लगवाई जाती है, कान पकड़कर चलवाया जाए, खड़ा उठक बैठक लगवाई जा रही है, मुर्गा बनाया जा रहा है, तमाम सारे प्रयास पुलिस अपने तय कर रही है। और एक मुझे लगता है कि अच्छा सकारात्मक प्रयास है कि लोगों को समझाने के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता, इसको लेकर क्या कहते हैं आप? मैं कहना चाहूंगा कि ये पूरी जो प्रक्रिया है, अगर हम देखें तो लोगों को दंडित करना उद्देश्य नहीं है, लोगों इस चीज को समझें, ये जरूरत है। पुलिस जो ये लगातार चीजों को लागू करा रही है, उनकी हिफाजत के लिए, स्वयं लोगों की हिफाजत के लिए है। इस चीज को समझें, कोई वायलेट करता है तो उसको निश्चित तौर पे इस बात का एहसास होना चाहिए, वायलेशन कर रहा है, उसने कुछ गलत किया है, उसने कुछ ऐसी चीजों का उल्लंघन किया है जो सिर्फ उसके नहीं, उसके साथ के लोगों के जान के लिए भी खतरा है। तो पुलिस ने इवन लोगों को जागरूक करने में भी बहुत सारे जो अपनी इनोवेशन का बोले, बहुत सारे इनोवेशन किए हैं, जैसे कि आपने देखा होगा किसी को यमराज बना करके लोगों को संदेश देना, किसी को अलग अलग बना करके देना, अलग अलग होर्डिंग्स बनवा के देना, स्लोगन्स बनवा के देना, यानी कि लोगों के दिल तक कैसे पहुंचा जाए, लोगों के इस बात को कैसे एहसास कराया जाए कि उनकी जरूरत बहुत बड़ी जरूरत है, इसमें सब साथ देना है, वरना एक लम्हों की खता सदियों पर भारी पड़ेगी, इस बात को उनके महसूस कराया जाए, इस चीज के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है, और मुझे लगता है कि इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुई है। कितनी अच्छी बात कही सर आपने कि लम्हों की खता सदियों पर भारी पड़ेगी। निश्चित तौर पर आप इंदौर पुलिस के डीआईजी होने के नाते शहर के लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने जवानों के लिए प्रयास कर रहे हैं, और एक प्रथम पंक्ति के जो योद्धा हैं उसमें आपकी पूरी टीम का नाम आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इस मिशन में आप सफल होंगे। लगातार आप 20-22 घंटे आप लगातार काम कर रहे हैं, हम लगातार देखते आ रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।